बड़ी खबर आ रही है हाथरस से। छींटा कसी का विरोध किया तो दबंगों ने दंपति को बुरी तरह से धुना। पुत्र वधू से करते थे आरोपी मजाक। विरोध करने पर सास ससुर को घर पर आकर लाठी डंडों से किया लहूलुहान। मोहल्ले के लोगों ने बड़ी मुश्किल से आरोपियों से बचाया। हाथरस के थाना सहपऊ के मोहल्ला जाटापुरी मोहल्ले का है मामला। दोनों घायलों का हाथरस बागलास जिला अस्पताल में चल रहा है उपचार। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लिया। आरोपियों की तलाश सरगर्मी से की शुरू। बड़ी और अहम खबर न्यूज 30 एक्सप्रेस टीवी आपको दिखा रहा है यूपी के हाथरस से, जहां छींटा कसी का विरोध करना एक दंपति को भारी पड़ गया। दबंगों ने दंपति को बुरी तरह से धुन दिया। पुत्र वधू से आरोपी मजाक करते थे। विरोध किया गया तो सास ससुर को घर पर ही आकर लाठी डंडों से लहूलुहान कर दिया। किसी तरह से मोहल्ले वालों ने बड़ी मुश्किल से आरोपियों के चंगुल से दंपति को बचाया है। हाथरस के थाना सहपऊ के मोहल्ला जाटापुरी का ये पूरा मामला है। किस बात को लेकर मारपीट की आपसे? मेरी पुत्र बहू है, उसके बारे में गलत अफवाह उड़ाई है। उसके बारे में कहता है पूरे मोहल्ले में, क्या कहते हैं, मैंने हकाए अपनी पुत्र बहू को पकड़ लिया है गलत नीयत से। इस तरह की बदनामी कर रहा है पूरे मोहल्ले में। कौन लोग हैं जो बदनामी कर रहे हैं? जाटव हैं। क्या क्या नाम है उनके? एक का नाम है संजय, एक का नाम है चेतन, एक का नाम है धनपाल और एक का नाम है संजय और एक का नाम है अरविंद। चार लोग हैं ये, चारों ने ईंटों से हमको मारा है। तो हुआ क्या था मतलब ऐसा? हमने ये कहा कि भाई ऐसा क्यों कर रहा है, हमारी बदनामी क्यों कर रहा है, हमारी पुत्र बहू की बदनामी क्यों कर रहा है, झूठी बदनामी क्यों कर रहा है, बिना मतलब के बदनामी कर रहा है। हमने इस बात को कहा तो उन्होंने हमको पकड़ा और मारा, हमारे घर पर आकर के ईंटों और पत्थरों से मारा। पुलिस से शिकायत की इसकी? पुलिस की शिकायत की है। तहरीर दी है आपने? तहरीर अभी नहीं दी है, तहरीर भी बोल दिया है कि पहले एका ये सीटी कराओ, उसके बाद में तहरीर देना। क्या नाम है आपका? अजय मेहरा। और ये कौन है आपकी? मेरी पत्नी है। क्या नाम है इनका? मीरा देवी। कहाँ के रहने वाले हो आप? कस्बा सहपऊ।